आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन कीमा कबाब की रेसिपी। इस कबाब को बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी आज की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, रेसिपी अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है एक थाली, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने चिकन को कीमा बनाकर रख दिया था पहले से ही। आप ग्राइंडर जार पे चिकन को डाल के इसका कीमा बना लेना। तो अभी इसमें डाल देंगे मसाले। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, डाल देंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और अभी इसमें डाल देंगे एक चम्मच जीरा पाउडर, और इसमें डाल देंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, और उसी के साथ इसमें डाल देंगे एक चम्मच गरम मसाला, और अभी इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। अभी मैंने सभी मसाले को डाल दिया है, और मसाले को डालने के बाद अभी इसमें डाल देंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे दो हरी मिर्च को काट के, और अभी इसमें डाल देंगे नींबू का रस। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच नींबू का रस डाल दिया है। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और अभी इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा साइज की प्याज को इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है, वो डाल देंगे। और प्याज को डालने के बाद अभी इसमें डाल देंगे कटी हुई हरा धनिया, और हरा धनिया डालने के बाद हाथ की मदद से इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। अभी इस तरह से थोड़ा सा पोषण लेंगे और हाथ पे ऑयल लगा लेंगे, और इस तरह से टिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक टिक्की बनाकर तैयार कर ली है। तो इस तरह से फिर से थोड़ा पोषण लेंगे और फिर से इस तरह से टिक्की बना लेंगे। तो इस तरह करके सभी टिक्की को बना लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सभी टिक्की को बना ली है। तो चलिए इनको अभी फ्राई कर लेते हैं। तो गैस के ऊपर मैंने पहले से ही तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। तवा हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें डाल देंगे ऑयल। तो मैंने यहाँ पे दो बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, और अभी ऑयल को गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अभी एक एक करके जो टिक्की बना के रखा था ना वो डाल देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सभी टिक्की को डाल दिया है। अभी गैस के फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और टिक्की को दो मिनट के लिए अच्छे से फ्राई होने देंगे। अभी दो मिनट हो चुका है, इस तरह से पलट के देख लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं टिक्की जो है हमारा एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इस तरह से सभी टिक्की को पलट देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सभी टिक्की को पलट दी है, और दूसरे साइड को भी दो मिनट के लिए गैस के फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे रख के फ्राई होने देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा साइड भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अभी एक एक करके सभी टिक्की को प्लेट पर निकाल लेंगे। तो मैंने सभी टिक्की को प्लेट पे निकाल ली है। तो अभी इस तरह करके फिर से टिक्की को डाल देंगे और इनको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो चिकन कबाब है वो बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना सॉफ्ट, और खाने में मैं क्या ही बताऊँ इतना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। इफ्तार पे इस चिकन कबाब को बनाकर ज़रूर ट्राई करना और इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को, और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय फ्रेंड्स।